हेलो दोस्तों। तो अभी सीजीएल 2024 का एग्जाम चल ही रहा है। काफ़ी दोस्तों का मेरे पास कल कॉल आया कि कल जो 19 सितंबर की Shift 3 थी वो काफ़ी हार्ड थी। तो अभी तक अगर मैं नोटिस करूँ तो 17 सितंबर की Shift 3, 18 सितंबर की Shift 3 और 19 सितंबर की Shift 3, ये तीनों अभी तक जितने भी मेरे दोस्तों से बात हुई है मेरी, वो लोग टफ ही बता रहे हैं। टफ कैसे कैसे है? तो चलिए इस पे बात करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई थी, जैसे मेरी शिफ्ट जो थी 11 सितंबर को Shift 3 थी, तो वो मुझे इतनी हार्ड नहीं लगी थी जैसे कुछ लोगों ने बोला था कि मैथ्स कैलकुलेटिव थी। मैक्सिमम दो तीन क्वेश्चंस कैलकुलेटिव रहे होंगे, तीन क्वेश्चन मैक्सिमम रहे होंगे कैलकुलेटिव, इससे ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं थे क्वेश्चंस। रीजनिंग भी ठीक थी, एक दो जो नंबर वाली सीरीज होती है वो टफ थी। तो अगर वो मतलब ऐसा हो रहा था कि माइंड में स्टक कर गई तो स्टक कर गई, अदरवाइज वो नहीं निकल रही थी, है ना। बट मेरा हो गया था, कंप्लीट हो गया था। जैसे जितने भी दोस्तों ने मेरे अभी 17 सितंबर को Shift 3 दिया, उन्होंने ये बोला कि मैथ्स बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थी। जैसे 17 से 18 या 19 क्वेश्चंस डुएबल हैं मैथ्स में, बट उसके बाद डुएबल तो हैं बट थोड़े से लेंदी क्वेश्चन शुरू हो जा रहे हैं, लेंदी हो जा रहे हैं, कैलकुलेटिव शुरू हुए जा रहे हैं। इसी तरीके रीजनिंग भी, रीजनिंग बता रहे थे कि ठीक है, रीजनिंग में मतलब इतनी दिक्कत नहीं थी। 17 अभी मैं 17 सितंबर Shift 3 की बात कर रहा हूँ, रीजनिंग मतलब ठीक थी, और बहुत ज़्यादा इजी नहीं थी, लेकिन हाँ मतलब मॉडरेट थी थोड़ा सा, कि कुछ क्वेश्चन जो फंस रहे थे वो फंस ही रहे थे, वो फिर नहीं निकल पा रहे थे ना। उसके बाद फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश प्रीवियस ईयर या अभी तक मैंने कहीं पर भी ये नहीं सुना कि इंग्लिश टफ आई हो। हाँ पैराग्राफ किसी किसी में टफ आए हैं, अभी आते हैं उस पर कि पैराग्राफ किस में टफ आए हैं, बाकी इंग्लिश प्रीवियस ईयर पे ही आ रही है। अगर आपने प्रीवियस ईयर को ठीक से किया हुआ है तो आपका हो जाएगा, मतलब आपके चांसेस हैं कि निकल जाए आपका प्री। अभी पूरी बातचीत के बाद मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर मॉक कहूंगा करने के लिए, क्योंकि अभी देखिए क्या चांसेस हो रहे हैं कि हार्ड शिफ्ट आना शुरू हो गई है। तो अगर आप वो सारे मॉक देंगे जो मैं बताऊंगा, वो सारे हार्ड शिफ्ट के मॉक हैं जो प्रीवियसली आए हुए हैं, जैसे 2022 का हो गया, 2023 का हो गया, 2021 का हो गया, तो वो सब टफेस्ट शिफ्ट रही है अपने टाइम की, तो उनको जरूर करिएगा। तो अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो 17 सितंबर Shift 3 की बात कर रहे हैं दोस्त, है ना। इंग्लिश भी ठीक आई थी, प्रीवियस ईयर भी थी, जीएस किसी में भी अच्छी नहीं पूछे, जैसे मेरी शिफ्ट में भी जीएस बहुत ज्यादा गंदी थी, तो जीएस इसमें भी बहुत ज्यादा गंदी पूछी गई थी। 18 सितंबर Shift 3 की बात करें तो सेम वही लेवल चल रहा है जैसे 17 सितंबर Shift 3 आई थी, वैसे ही लगभग ये भी रही। कल की शिफ्ट 19 सितंबर Shift 3 काफ़ी, जितने भी मतलब मेरे दोस्तों ने दिया वो काफ़ी टफ बता रहे हैं कि मैथ्स में काफ़ी क्वेश्चन उनके इतने कैलकुलेटिव हो रहे थे कि आंसर ही ठीक से नहीं आ रहे थे ना। तो और रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन जो फंस जा रहे थे वो फंस ही जा रहे थे। इंग्लिश में उनका पैराग्राफ बहुत टफ आया था, वो लोग बता रहे थे कि मतलब पैराग्राफ उनका काफ़ी टफ था, मतलब डुएबल है ही, जो प्रीवियसली पढ़े हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर पढ़ रखे हैं, जो जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स भी पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए तो ठीक था। बट अगर आप फ्रेश हैं, मतलब फ्रेशर हैं, अभी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है या फिर सेकेंड ईयर अटेम्प्ट है, आपने आर्टिकल आर्टिकल नहीं पढ़ा हुआ है ज़्यादा, तो आपको दिक्कत आ सकती है पैराग्राफ सॉल्व करने में। 19 सितंबर Shift 3, मतलब कल की Shift 3 की बात कर रहे हैं। तो 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर, तीनों की Shift 3 काफ़ी हार्ड या काफ़ी टफ बताई जा रही है। ये हो सकता है कि या तो टफेस्ट शिफ्ट में आए, या फिर हो सकता है कि वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट में रहे। तो आप लोगों को करना क्या है, आपको ये स्क्रीन पे कुछ मॉक्स दिख रहे होंगे, 2020, 2021, 2022, 2023 सबके दिख रहे होंगे। मैंने ज़्यादा मॉक नहीं लगाए, एक एक दो दो लगाए, अपने टाइम की जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी उनका लगाए। हो सके तो अभी जिनका पेपर बाकी है, जिनका पेपर कल है, परसों है, नरसों है, आप लोग एक एक मॉक इसमें दे दीजिएगा। देखिए नंबर जितने हैं उस पर मत डिपेंड करिएगा कि नंबर कम आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, बस आप उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको वहाँ पे टफ शिफ्ट देखने को मिलती है तो आप पैनिक ना करें, है ना। अदरवाइज क्या होता है ना कि क्वेश्चन नहीं आ रहे होते, छूट रहा होता, तो बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाती है। तो आप इन सब शिफ्ट के पेपर को दे के आपको जो पैनिक सिचुएशन है वो दूर हो जाएगी ना। तो हो सके तो ये मॉक जरूर दीजिएगा। कुछ टिप्स हैं, क्या टिप्स हैं, जब आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहे होंगे तो प्लीज़ पैनिक मत करिएगा। जैसे आपने मान लीजिए जीएस से करना चालू किया, आपने जीएस किया, फिर इंग्लिश किया, फिर उसके बाद फिर आपने रीजनिंग किया, फिर मैथ्स किया, तो वही पैटर्न फॉलो करिएगा जो आप पैटर्न यहाँ पे घर पे फॉलो करते हैं। बिल्कुल भी नई चीज़ मत ट्राई करिएगा। अगर टफ पेपर है तो उसको उसी तरीके टैकल करिएगा, स्किप करते हुए चलिएगा, जो पहले इजी है उसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ों को सॉल्व करिए। बाकी आपने मॉक दिया होगा तो आपको काफ़ी बेहतर आइडिया है कि आप घर पे जिस तरह मॉक देते हैं तो किस तरह आप ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। हो सके तो ये सारे मॉक ज़रूर दीजिएगा, बहुत बहुत
बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इस समय कुछ टफ शिफ्ट आ रही है, तो नहीं पता है कि आपकी शिफ्ट जो होगी वो टफ हो जाएगी या फिर इजी टू मॉडरेट रहेगी। तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पे नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लेना ना। थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन सही लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है कि कौन सी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड थी अभी तक, स्टार्टिंग से लेके अभी तक सबसे टफेस्ट शिफ्ट कह लीजिए या फिर वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट कौन सी रही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हो सके तो ये प्लीज़ मौक दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।